पिछले साल यानी साल 2022 में भारत की जीडीपी पहली बार 3.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक रही। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 इकोनॉमी होगी। साथ ही मूडीज ने यह भी कहा कि भारत में ब्यूरोक्रेसी की वजह से लाइसेंस लेने और बिजनेस शुरू करने में काफी समय लगता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के समय पर निर्णय न लेने की वजह से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकती है। इस वजह से इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे एशिया के अन्य विकासशील देशों को इसका फायदा होगा।